सरकार तो पूरी तरीके से मैडम फेलियर है, अपने एक भी वादे पे ये खरी नहीं उतरी। यहाँ तक कि इन्होंने नोटबंदी करके देश के साथ देश के आम जनता के साथ साथ में धोखा का काम किया है। जीएसटी लगा करके, जब कांग्रेस जीएसटी 17% की बात कर रही थी तो ये विरोध कर रहे थे, आज ये 28% जीएसटी, यानी कांग्रेस की जो भी नीतियाँ रही जिसका ये विरोध करते रहे, उससे दो कदम आगे बढ़ करके इन्होंने काम किया। इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बात की थी, हर खाते में 15 लाख देने की बात की थी, 2 करोड़ नौजवानों को काम देने की बात की थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब हवा हवा ही है। हाँ, एक जरूर काम ये कर रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, उन्माद पैदा करके वोट को पोलराइजेशन करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यही इनकी मंशा है, और बाकी इनकी कोई मंशा नहीं। आज हम लोग यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दिल्ली संगत की तरफ से इनके लिए लंगर का अरेंजमेंट करके आए हैं, एंड वी आर सपोर्टिंग देम। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक बेसिक, एक अन्नदाता की आवाज़ सुने, और इस कॉज को लेके जो एजिटेशन मूवमेंट चल रही है, हम दिल्ली की तरफ से, वॉइस ऑफ वॉइसलेस की तरफ से उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। गरीब के लिए सब कुछ मांगने, जो कमी है सो मांगने आई है। भूमिहीन नहीं है, इंदिरा आवास भी नहीं है, जैसे मकान नहीं है किसी का, जमीन बसने का नहीं है, इसीलिए हमारे लोग के जमीन नहीं है, मुतनों के लिए जमीन भी नहीं है। अनका में जाते हैं तो बोलता है गाड़ी देता है, और उस लिए हमको फुलवारी उरवारी लगाने के लिए कोई नहीं है, कमाते हैं खाते हैं। हमारे यहाँ समस्या यह है कि जैसे कि एक मनरेगा काम सरकार की तरफ से चला था, मनरेगा काम पर एकदम टोटल ढील मची हुई है। सरकार उस मनरेगा के काम के नाम पर एकदम बंदर बांट कर रही है। अगर जो भी मजदूर आदमी अगर मनरेगा में काम किए हैं उसका भुगतान करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे 56 इंच का सीना बखानते थे। स्थिति क्या थी कि जनता से उन्होंने झूठ बोल करके वादा किया कि जनता के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, जनता के खाते में 15 पैसा नहीं आया। यहाँ तक कि महिलाएं जो भी अपना कुछ काट कपट के परिवार के तरफ से रखी थी उस पैसों को भी लाइन में लगा करके वहाँ पर जमा कर दिया। आधार कार्ड के नाम पर जनता से लूटा गया, राशन कार्ड के नाम पर लूटने का काम वहाँ पर सरकार कर। सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ो, आधार कार्ड से जुड़ा नहीं और जुड़ा भी है तो वही थ्योरी। अब उस गांव का आधार कार्ड उस गांव में और उस गांव का आधार कार्ड उस गांव में। अब जो है हम आवेदन करने जाते हैं कि हमारा जिस व्यक्ति के राशन कार्ड में हमारा आधार कार्ड लिंक हो गया है उसको कटवाने में हम परेशान हैं, न कि अपना सूची बनवाने में या न खाद्यान्न लेने में। इस तरह का भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पर है। करोड़ों रुपया प्रदेश के अंदर हर महीने खास करके गरीबों के निवाले से प्रदेश सरकार उत्पन्न करती है। आने दिन वाले में जो इस समय इस दौर का चुनाव चल रहा है वहाँ की जनता, प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों का जो यह किसान मार्च है इसी में हम लोग भारी से भारी संख्या में आए हैं और इसका विरोध करेंगे। हम यहाँ का किसान हाड़ तोड़ मेहनत करके इतना गल्ला पैदा किया कि खाने से इफरात पैदा कर दिया, लेकिन किसानों की हालत बद से बदतर है। उनको उनकी फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो जा रहा है लेकिन सरकारें उस पर खरीद नहीं कर रही हैं, वो बिचौलियों के हाथ में किसान बेचने के लिए तैयार हो जा रहा है। 3000 साधु अयोध्या में जुट करके धर्म संसद की बात करने लगते हैं, और यहाँ पे 3 लाख किसान और कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज तक ये कृषि आयोग और किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं बन सकी,
ये बड़ी विडंबना की बात है। हम मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू किया जाए।